इब्राहिम हमारा जरो के व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। जैसा कि आज आप सबको मालूम है, किसी किस्म का तारुफ जरूरत नहीं है और मैं तमीज में वक्त भी जाया नहीं करूंगा, क्योंकि चर्च वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत किसी भी तबके जिंदगी के लोगों से छुपी हुई नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर भाई जो के सदर हैं चर्च वेलफेयर सोसाइटी के। यासिर भाई मौजूदा सूरत हाल पे क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौजूदा सूरत हाल में ये मैसेज दूंगा अपने इलाके के लोगों को, जब वो अपने घरों में ही रहें और अपना ख्याल करें और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करें क्वारंटीना के अंदर, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसमें घरों में नहीं निकलना चाहिए। आज हमारे मेहमान हैं नवाज खान साहब और बिलाल सदुजई साहब, इंग्लैंड से हैं। और आप लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें बेसिकली जो रोल है वो सबसे बड़ा आपका और आपकी टीम का है, क्योंकि आजकल के दौर में बाहर निकलना, टाइम देना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। उस पे आप यकीनन खराज तसीम के मुस्तहिक हैं। तो नवाज भाई और बिलाल भाई तशरीफ लाए हैं। आपका चूंकि लोगों के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में चंद अल्फाज हमें भी नायर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हम यूके से आए हुए हैं और आने से पहले ये जो कोरोना वायरस की जो स्प्रेडिंग थी ये उस वक्त चाइना में थी। हम तो यूके में थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, लेकिन उसकी क्या कहते हैं सीरियसली हमने भी इसको समझा कि ये ऐसे फैलेगी और ये इतना एकदम स्पीड के लिहाज से फैलेगी। जब हम इधर आए तो इधर इसका जो दुनिया में जो असर है वो हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर इसका जो असर है वो भी आप सबके सामने है। लेकिन हमने ये देखा कि इसके जो असर जो इसका हुआ है पाकिस्तान में, वो उसके लिए कोई दुनिया भी रेडी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान का जो असर है वो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा हुआ। इसलिए कि इधर जो ये जो आवाम स्पेशली जो मजदूर तबका है, ये जो लॉकडाउन हो गया है उसका असर एकदम ऐसे हुआ कि लोगों के पास ना नौकरियां गई हैं ना कोई काम वगैरह है, और सबसे ज़्यादा क्या है क्योंकि इनकम ख़त्म हो गई है उनके पास खाना। बिल्कुल, हम गरीब मुल्क हैं, गरीब लोग हैं, तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उसमें आप किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को? हमने फिर ये किया कि हमने इमीडिएटली यूके के अंदर जो हमारे छच इलाके के या टक इलाके के या और भी जो है लोग हैं हमारे सर्कल के अंदर, हमने अपीलें की हैं। तो हमारे मेरा जो गांव है, मैं कानपुर मूसा का हूँ, तो वहाँ हमारी अमन वेलफेयर सोसाइटी भी है, उनके साथ हमने मिलजुल के उनको पूछा वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ अपील की। तो माशाल्लाह वो जब मैं पहली दफ़ा उनको पूछा तो उनके पास तकरीबन में हर 200 के 250 या 300 के करीब लिस्ट थी गांव में जो मुस्तहिक लोग थे। जब हमने काम शुरू किया और पैसा हमारा ओवरसीज से जब आया और उन्होंने जब ये काम शुरू किया पैकेज का, फुल पैकेज का, तो फाइनल फिगर कुछ तकरीबन मेरा है 750 के करीब लगभग हो गया सिर्फ अपने गाँव में, अपने गाँव में। और वो गया था कि वो ओवरसीज का ये जज्बा था कि उन्होंने देखा है कि देखो लॉकडाउन वहाँ भी है, अगर यूके के हालात देखे पाकिस्तान के साथ तो हमारे हालात वहाँ बुरे हैं इससे। बिल्कुल, मेरी वहाँ पे सलीम साबी साहब से लास्ट टाइम बात हुई आधा घंटा, उसके बाद तैमूर शहजाद है वहाँ पे हमारे, उनसे बात हुई, बिल्कुल उनसे बड़ी लंबी गप रहती है। तो वहाँ पे हालात बहुत वर्स है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी है, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पेंडेमिक है, वो वबा है, उस वजह से वहाँ पे मौत ज्यादा हो रही है, वहाँ पे लोग डिस्टर्ब ज्यादा है। बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे जब यहाँ पे आए और लोगों को देखा, तो इस टाइम सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए लोगों को, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जी बिल्कुल कर रहे हैं। इस तरह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी है, कम करने मतलब ग्राउंड दस नवाज भाई सोशल वेलफेयर मेरे ख्याल काम छच ने अंदर एक वो इदारा है जिस बहुत छोटे जे टाइम ने अंदर अपना बहुत ज्यादा और बहुत बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया है।
इस छत ने पूरे ग्राउंड अंदर जितने भी ग्राउंड उस जिस देर तक असान जिस तक कलम वसूल हुई हैं और सिर्फ मेरे ख्याल में देखो जो ये कलम वसूल करनी है ना वो भी इस टाइम बहुत मुश्किल हो जाए उन्हें कलम वसूल करके या सिर्फ भाई हो गए या जितने भी साढ़े साथी है जितनी भी टीम ने साथी है उन्हें तक राशन पहुँचाना मेरे ख्याल में बहुत अहम किरदार है। तो मैं अपनी जितनी टीम है मतलब इस सारी टीम सलाम पेश करना वा तो अपने कंपर मूसा ने जो और सीजन मैं उन्हें बहुत ज्यादा सलाम पेश करना वा उस लिहाज में असा जिस टाइम ग्राएं अंदर कोई मुश्किल आनी असं उन्होंने मुँह की जिस टाइम भी रखना उन्हें बिल्कुल परफेक्ट उस टाइम रखने दिया सर साढ़े को सोशल वेलफेयर में तो साढ़े को दो केस आए तो अल्लाह पाक ने शुक्र है एक बच्चे का केस आया है मतलब उसने थोड़े बीमारी ने केस आया तो असा उसने तो मतलब असा तकरीबन वो किया है उन्हें अपना हेल्प किया है तो उसने तो मतलब साढ़े जो सीध है उन्हें बढ़ चढ़ के सकता है सोशल वेलफेयर ने साथी मदद की है। फिर हम एक दूसरे बच्चे ने केस आया उसने तो भी साढ़े जो साथी उन्हें माशाला तकरीबन बहुत बहुत अच्छी तरह उन्होंने इमदाद की उसने तो असा जो अपना अपनी जी साड़ी अपनी छत नहीं सोशल वेलफेयर है उसने तकरीबन 1360 पैकेज दिता है जो माशाला बहुत मतलब बहुत मैं असा तो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन साड़ी क्यादत में यासिफ भाई और रंगदेव भाई और जितने भी और चीज साढ़े खालिद लोधी साहब और आसिफ खान साहब मैं तो हर बंदे नहीं छाया हूँ पर मैं वहाँ मतलब इस मौजूदा हालात के अंदर और मुल्क छोड़ के पूरी दुनिया ने मौजूदा हालात के अंदर मैं उन्हें सलाम पेश करना हूँ मतलब उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके मतलब अपने अपने हालात ने उस हालात ने बावजूद अपने हालात में लड़ने के बावजूद उन्होंने लोगों ने भी याद किया ने जो लोग मतलब उन्होंने को सात समुंदर पार सी तो उन्होंने को बैठ पे वेखो असा भी और साढ़े तो मदद तरह जितने गरीब लोग उन्होंने बारे उन्होंने लोगों का सोचा है मेरे ख्याल उन्होंने लोगों की सोच बहुत बड़ी सोच है और कि लोग उन्हें दुनिया के अंदर जिन्हें लोगों मतलब परिश्रमित इंसान आखा वेना जो लोग मतलब 84 ग्राउंड अंदर ढूंढ ढूंढ के उन्होंने लोगों तक राशन पहुँचाए ने काल में पहुँचाए ने और उस तो बाद मतलब उन्होंने अपने पैकेज की तादाद है उस तो बाद भी उन्होंने ये कोशिश है यार असी उन्होंने लोगों मतलब फिर भी अगर कोई साथी साढ़े को रह गए जो साथी भी साढ़े को मतलब इस पैकेज तो महरूम रह गए असी उन्होंने तक पहुँचाई तो इनशाला असी अपनी टीम ने बिल्कुल कंधा को कंधा और इन्होंने अगला टारगेट साढ़ा एम्बुलेंस है मैं अपनी जितनी भी और सीजन और मतलब जितने भी वेखने वाले मतलब जितने भी छत ने बल्कि पूरी दुनिया ने जितने भी सोशल वेलफेयर में चलने वाले या नहीं भी चलने वाले जो लोग साढ़ा पैगाम पर सुनने पे साढ़े सोशल वेलफेयर एक बकायदा मतलब एक रिकॉर्ड और बिल्कुल 1-to-1 और एक चीज़ ना रिकॉर्ड मेंटेन रखने नाल तरीके नाल पर चलनी है असा मतलब कोई दुनिया में तो कि किधर भी कोई बंदा भी साढ़े को किसी रिकॉर्ड ना कोई भी गिनना चाहे साढ़े साथी हाजिर हो असी खुद हाजिर हो उन्होंने रिकॉर्ड मतलब दस सकने दे सकने और साड़ी उन्होंने अगर अपील है और सीध अगर भी अपील है और पाकिस्तान के अंदर जो मुखीर हजरात उन्होंने भी अगर अपील है साड़ी भी अगला टारगेट है साढ़ा एम्बुलेंस है तो मैं इस वास्ते साढ़े नाल इंशाला असी उम्मीद रखते हैं इन्होंने लोगों को असर इंशाला लोग तावन कर सुन किया भी ने और करन भी असा एक एम्बुलेंस जी पूरी छज से एक काल में चल सी जिस मतलब अशद जरूरत है इस टाइम साढ़े मतलब हर छज ने हर बंद को इंशाला एक काल पहुंच सी असी उस वास्ते कहीं जल्द अज जल्द कोशिश करने पी तो असी साथी की दुआ करने दुआ भी करो और साढ़े नाल तावन भी करो इंशाला असी अपना जितना किरदार है बिल्कुल पूरा पूरा परफेक्ट तरीके से इंशाला कर सकते नवाज भाई चूंकि यूके ने विच भी बहुत ज्यादा हालात खराब है डेफिनेटली उथे भी नौकरियां नहीं हैं कारोबार नहीं हैं सारा कुछ बंद है ते जिसले तुसी गए हो मुख्तलिफ लोका अप्रोच कीता ने कि यार सा पैसे चाहिए नहीं या सा इमदाद चाहिए नहीं या सा ये चीज चाहिए नहीं तो उथे ना रिस्पांस क्या जाए लोका ना देखो जी अक्सर मैं ग्राम विच बैठ के गला करना हूं कि बहुत लोग होने नु बैठ के गला करना बहुत लोग होने नु जड़ा गलत थोड़ी करने कम ज्यादा करना तो सन अगे सामने प्रूफ है कि जो भी पाकिस्तान ने बिच मुश्किल वक्त आया जो भी सियासतान साइड से रखो ठीक है जो भी मुश्किल वक्त आया तो ओवरसीज पाकिस्तानी लव बैठ किया है कदे नहीं कि साका कि यार तो सन हालात बोले तो असन भी बोले बल्कि मैं हूँ आखना हूं कि शायद असन इंग्लैंड ने लोगों ने हालात पाकिस्तान ने लोगों को भी खराब हो कोई मजाक नहीं हाँ दिस इज वेरी सीरियस क्योंकि उसे कोई भी कार्य जने जैसे वायरस ना गया हो साड़ी स्टाफ बाइन तुझे तुझे जाने की समझो ना
कि जब एक बंदे की इनकम खत्म हो गई है तो हुकूमत कितना कर सी राइट। देखो इतनी जरा अल्हम्दुलिल्लाह चलो इतना है कि ऐसा लीडर इधर जरा प्राइम मिनिस्टर साहब अपील कर रहे हैं तो लोग पे लग पे उसने पे ग्रैंड चुकी पे हुई और वो कुछ कर भी होनी है ना। ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं अपील की थी कि ऐसा हम पैसे दो राइट ठीक है जी। अच्छा उन्होंने जी बजट है उन देशों पर वो भी बहुत लिमिटेड है वो जरा ऐसा नहीं जी लोगों ने आम तो खत्म नहीं बोले बिल तो उन्होंने पे आगे उन्होंने खर्चे तो नहीं रोके ना जी ठीक है। अच्छा उसके बावजूद जितना पैसा पर जरा कम प्रमोशन चाहना या छच वेलफेयर चाहना है तो सर हिसाब कुछ ना पूछो तो 90% बल्कि 95% पैसा इन्हें ना पर ओवरसीज चुहाना है तो ये पैसे को और भी पैसा है और मेजोरिटी में 100% चाह रहा कि उस सिटी इंग्लैंड चुहाना उसी तो ये भी कुछ जज्बा है अल्लाह पाक उन्हें ऐसा जज्बा देता है कि असान जो है कोई मुश्किल आवे नहीं है या असान कोई बच्चा जब बीमार हो ना या दुख है ना या कुछ तो असं फौरन सोनी नहीं है पहले उसने पैसे भेजने फिर असान नींद आ रही है इस तरह से कि असल में बहुत बड़ी ये नहीं मैं आता कहीं दूर नहीं लेकिन इंग्लैंड के लोगों से स्पेशली ओवरसीज इधर एक अपुटी जम दर्दी अल्लाह पाक पाई है। कल मैं तुसा एग्जाम्पल देना कि इन्हों ने एक बच्चा आया इतने जो बीमार है जिसका इलाज है वो मैं रात ही वेखा एक व्हाट्सएप ग्रुप ने उसने जरा असल एक भारी इलाके पाई है बड़ी चुनाव वो शुरू किया है सोने तो पहले मैं वेखा कि 650-700 पाउंड ने उसको डोनेशन उसको आ गई है ₹2,70,000 बल्कि उस कोई भी शय होनी है उसी जो नशा सब तो पहले पाने तो देखो जी ये पाकिस्तान ने लोगों वास्ते ये एक अल्लाह पाक एक नमत रखी है अगर इन समझूंगा कि उन्हें इतने ने बंदी पाकिस्तान ने बंदी ओवरसीज गैन और उन अपने बच्चा पीछे करके इन्होंने बच्चे वास्ते और इन्होंने फैमिली वास्ते सोच रहे एक माहौल नहीं ऐसा right. से मैं अक्सर लोगों का इतराफ रहा हूँ अगर कुछ भी निकाल रखते हो कुछ भी एक तो उन्होंने बंदा ना आपको और दुआ आप चाहते दो रकात पढ़ कर उसे दुआ करो कि या अल्लाह इन्ना जी को जैसा वैसे सोचा है ठीक है उन्होंने बरकत अल्लाह पाक ना बरकत दे उन्होंने माल जान बरकत दे और सबसे पहले उन्होंने जो वालदैन और उन्होंने बच्चे उन्होंने फैमिली अल्लाह पाक उन्होंने नेक और हिफाजत ना रखे। देखो जी दुआ जी है ना देनी हर बंदा दुनिया से आना अल्लाह पाक उसका मकसद देना है कोई बंदे गुरबत रहने कोई बंदे अमीर हो गए लेकिन अल्लाह पाक जो बंदा अमीर ही देना है या पैसा देना है तो ना भी देखना है कि पैसा तुम कितने ला सो तुम कुछ कितने इतना एग्जाम्पल छाछ के लोगों को मिलियंस पाउंड उन्होंने कमाया है जमीन भी कितिया और आपे मार गया सब कुछ रह गया तो वो कहते तुम खुदा वास्ते ना जरा उस दौरान अगर करो तो आखिर भी बन जा कि नहीं तो मैं ये आखा कि अल्लाह पाक असल उसे पूरी दुनिया से एक जरा इम्तिहान आ गया है ठीक है और हर बंदा उसते फर्ज है और उसते फर्ज है कि सिर्फ जकात नहीं देखो उतासा ने ये भी इंजाम देने हैं ठीक है लेकिन उसके अलावा भी होर तुसी अपने गरीब लोगों अपने अपने मलयां अपने अपने इलाकों अपने अपने ग्रामों में भेज दिया तुसी कुछ थोड़ा तो थोड़ा भी हो हिस्सा डालना फर्ज है और ये जरा इस देखो ये बंदे अल्लाह पाक चुन के अपने इन पर काम कर दें तो अल्लाह पाक दसी कि जरा गुरबत जी है इस समय जरा सर कुछ अगो बीमारी ना भी उसी और देखो ये हमेशा नीत में नाल इंशाल्लाह जरा होना है और ये जरा कि जिन्हें जरा बंदा भी करना है काम वो इस लेवल पर करना है छत से करना है या छोड़े अपने ग्राम से करना है अल्लाह पाक उन्हें जरूर अजर देसी इंसान कुछ भी नहीं दे सकता जी ठीक है उन्हें अल्लाह पाक अजर देसी और अल्लाह पाक जरूर उन्होंने काम कदम भी जरा जाया नहीं होना बिल्कुल सीने मुस्तैक लोग जे अपने मुश्किल टाइम दूसरे नहीं मदद करना यसर भाई एंडिंग नोट्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी चर्च की जानिब से मैं आवाज खान साहब का बिलाल सद उजई साहब इशराक खान यूके से अभी हाल ही में उन्होंने अपने दोस्तों से डोनेशन भी भेजी है एक बीमार बच्चे के लिए। चर्च वेलफेयर जब शुरू हुई तो अब कन्वर्ट हो गई सोशल वेलफेयर सोसाइटी चर्च के नाम से। मैं कहता हूँ ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और स्पेशली मैं समझता हूँ हमारे लिए खुश नसीबी है कि आज नवाज खान साहब अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे आए हैं
और हमारा हौसला बढ़ाया। और मैं ये समझता हूँ, और तमाम और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी कहूँगा, और लोकली यहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इस कार्य खैर में बढ़ें और इन लोगों को अच्छा कहें, इन लोगों के लिए दुआ करें। इस मुश्किल वक्त में भी हमें ये डोनेशंस दे रहे हैं, हमारे साथ कांधे के साथ कांधा मिलाकर तामन के लिए तैयार हैं, और हमारे पास सिर्फ दुआएं हैं जी। आज जो कुछ हमने किया है, पैकेजेस दिए हैं, बीमार लोगों की मदद की है, वो सारा सेहरा इन लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच नवाज साहब।